हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर कांटेक्ट टू स्पेसिफिक कांटेक्ट एंड लॉ ऑफ पार्टनरशिप। इस पेपर का पेपर कोड है K-2004। ये पेपर 2018 में आया था। आपको इसको सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 है। इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इन सेक्शन को उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आपको अपना आंसर 75 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इंडेमनिटी, गिव वन एग्जाम्पल। क्षतिपूर्ति को परिभाषित कीजिए एक उदाहरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट और मालिक, इसके बारे में आपको लिखना है 75 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3, FOB, फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, विक्रय एवं उपनिधान में कोई 2 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, होल्डिंग आउट, व्यपदेशन क्या होता है इसके बारे में लिखना है आपको। सेक्शन बी, इसमें आपको अपना आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन प्लेज, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, गिरवी को परिभाषित कीजिए इसके आवश्यक तत्व कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन बाय एजेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एंड डिसाइडेड केसेस। एजेंट के द्वारा किए गए कपट व मिथ्या व्यपदेशन का संविदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण व निर्णित वादों सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड एजेंसी, उपनिधान के आवश्यक तत्व तो क्या है, उपनिधान एवं एजेंसी में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेक्शन सी, यहाँ अब आपको अपना आंसर डिटेल में लिखना है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द लाइबिलिटीज ऑफ ए श्योरिटी विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, निर्णित वादों की सहायता से निर्णित ऋणी के दायित्व का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द 2, शर्त तथा वारंटी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, दोनों में क्या अंतर है व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, डिस्कस द स्टेटमेंट विद इट्स एक्सेप्शन, जोखिम संपत्ति के साथ संक्रांत होता है इस कथन की इससे अपवादों सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस बेली राइट ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर लाइन एंड जनरल लाइन, निर्णित वादों की सहायता से उपनिहिति की धारण अधिकार की विवेचना कीजिए, विवेश धारण अधिकार व सामान्य धारण अधिकार में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, भागीदार का फर्म के अभिकर्ता होने के नाते क्या विवक्षित अधिकार होता है, विवेचना कीजिए, भागीदार के विवक्षित प्राधिकार पर क्या प्रतिबंध हो सकते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इसके अंदर 4 पेजेस थे।